नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर शहर में लगातार सड़क हादसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र का सामने आया है, जहां एक महिला अपने घर से निकलकर छोटा बांगड़दा की ओर खाना बनाने जा रही थी, तभी तेज रफ्तार आयसर ने महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुटी है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। संगीता जो कि केटरिंग का काम करती है, वहीं गांधीनगर से वो छोटा बांगड़दा की ओर जा रही थी। सुपर कॉरिडोर से वह रोड पार कर रही थी, तभी तेज रफ्तार आयसर ने महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल आयसर वाहन को पुलिस ने जब्त कर लिया है, वहीं आयसर चलाने वाले युवक की तलाश में पुलिस जुट गई है। सर क्या घटनाक्रम हुआ? क्या कौन है ये? मेरी मिसेस है। अच्छा, कितनी उम्र थी? 34 साल। क्या काम करते थे? मजदूरी। सर क्या हुआ इनके साथ? एक्सीडेंट। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये रोड पार कर रहे थे। अच्छा, तो कैसे सूचना लगी सर आपको? मेरे को उसने ना फोन लगाया मेरे को। अच्छा, क्या क्या उन्होंने बोला? उनका भाई का एक्सीडेंट हो गया है। आपका नाम? जितेंद्र बरजावत। आपका लगते पति उनका? उसमें एक मर्ग कायम हुआ था, मर्ग क्रमांक 9 थाना गांधीनगर पे, और उसमें मृतक का है संगीता पति जितेन, जो कि केटरिंग का काम करती थी। गांधीनगर से छोटा बांगड़दा जा रही थी, सुपर कॉरिडोर चौराहा और बोरा कॉलोनी के बीच में वाहन दुर्घटना में इस पर तो गई। कितनी उम्र थी? उम्र उसकी 43 साल थी। क्या नाम था? संगीता प्रजापति। मैं ASI बाल सिंह, थाना गांधीनगर, जांच। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।